क्लास टेंथ वाले बच्चों, दिस इज डेट 14th ऑफ अगस्त 2020, क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स लेक्चर 3। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम है ज्योमेट्री पढ़ाने का मेरा मेथड अलग है। पहले सारा थ्योरम कर लो, फिर आराम से क्वेश्चन कर लो। 6 थ्योरम हो चुका है, फटाफट बोलो, रिपीट करो मेरे साथ। थेल्स थ्योरम हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हो गया, एंगल बायसेक्टर हो गया, कन्वर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम हो गया, एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल एंड SSS क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल हो गया। थ्योरम नंबर 7, ये है SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ये कहता है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल दो ट्राइंगल है, एक एंगल इक्वल है, ये इसके बराबर है, बट बाकी दो साइड बराबर नहीं है, बाकी दो साइड्स का रेशियो जो इसको कंटेन कर रहा है वो प्रोपोर्शनल है। मतलब इस बार गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के बराबर है, और इस बार एबी बाय पीक्यू का रेशियो एसी बाई पी आर के रेशियो के बराबर है, ए पी के बराबर, ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के बराबर है, तब तुमको प्रूफ करना है कि वो जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। एस ए एस क्राइटेरिया को प्रूफ करना है तो इस्तेमाल किसका कर सकते हो, तो इस्तेमाल तुम एस 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 का और एंगल 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 का कर सकते हो। देखते हैं किसका इस्तेमाल करते हुए, और थेल्स थ्योरम का यूज तो करते रहते हैं, कैसे ये ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर पाते हैं। इसके लिए पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कट कर लेंगे। ए बी के बराबर यहां पर कुछ भी डी, ए सी के बराबर ई या एल एम जो भी बोलते हो, एंड ज्वाइन डी ई, ए बी के बराबर डी, ए सी के बराबर पी ई एंड ज्वाइन डी ई, कट, ए बी के बराबर पी डी, ए सी के बराबर पी ई एंड ज्वाइन कर जाओ डी ई को, इन दोनों को ज्वाइन कर जाओ। अब गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन अप्रूव, पूरा स्टेप से लिखना, ज्योमेट्री प्यार से बनाया जाता है, खिसिया करके नहीं बनेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी ई, एंगल ए बराबर एंगल पी गिवन, ए बी बराबर पी डी एंड ए सी बराबर पी ई, ये दोनों तो हमने ही कंस्ट्रक्शन किया है, इसके वजह से जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी डी ई के साइड एंगल साइड से ही, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से हमें एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर मिल जाएगा, और एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर मिल जाएगा। मतलब बी जो है वो फिलहाल डी के बराबर और सी जो है वो फिलहाल ई के बराबर हो रहा है, ठीक है, यहां तक हो गए। अब थोड़ा गिवन पर चलते हैं। गिवन कह रहा था ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर, बट अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन ए बी के बराबर तो पी डी काटा है और ए सी के बराबर तो पी ई काटा है, तो यहां पर ए बी के जगह पर पी डी लिख दो, दिस इज पी डी बाई पी क्यू, और ए सी के जगह पर पी ई बाई पी आर, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं देखो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, पी डी बाई पी क्यू बराबर पी ई बाय पी आर, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब डी ई पैरेलल क्यू आर हो, दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एक बार डी ई क्यू आर के पैरेलल हुआ तो इससे हम लोग एंगल डी को एंगल क्यू के बराबर और एंगल ई को एंगल आर के बराबर कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो दो डंडा इधर इधर भी हो गया और ये इधर भी हो गया, देयरफॉर अब हम लोग कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल
या फिर ऐसे डी क्यू के बराबर और डी बी के बराबर भी है, डी जो है वो क्यू के बराबर, डी बी के बराबर, ई जो है वो आर के बराबर और ई जो है वो सी के बराबर। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर हो रहा है और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए बराबर एंगल पी गिवन, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर प्रूव्ड अबव। और एक बार तीनों एंगल बराबर करने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल 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 से। तो एंगल 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 का इस्तेमाल करते हुए हमने एस ए एस को प्रूफ कर लिया है। आज के बाद याद रखेंगे, अगर एक एंगल और उस एंगल को कंटेन करने वाला अगर दोनों साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो भी ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब बच्चों वो थ्योरम पढ़ेंगे, अब वो थ्योरम पढ़ेंगे, अब वो थ्योरम पढ़ेंगे, अब वो थ्योरम पढ़ेंगे जो कि हम लोग फोर्थ क्लास से इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। फोर्थ क्लास से दिस थ्योरम वी आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हैं। अब उसका प्रूफिंग देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो क्या कहता है, गिवन गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी जो है मान लेते हैं 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हर कोई जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आज इसका प्रूफिंग पढ़ेंगे, फोर्थ क्लास से यूज कर रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका हम लोग प्रूफिंग करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इस चैप्टर में ये पढ़कर क्या फायदा, ये सिमिलर ट्राइंगल से ही प्रूफिंग होता है। यहां से हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी परपेंडिकुलर बना लेंगे यहां से, ठीक है। तो गिवन टू प्रूफ के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेंगे हम लोग, एक कंस्ट्रक्शन लेंगे हम लोग और इस कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर, बी डी को परपेंडिकुलर मार देंगे एसी पर। अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ, अच्छे से देखना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ए बी सी और बी डी सी को देखो, ए बी सी को और बी डी सी को देखो, इसमें एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी डी सी बराबर 90 डिग्री और एंगल ए सी बी बराबर एंगल बी सी डी, ए सी बी बोलो चाहे बी सी डी बोलो वो एंगल कॉमन है, सेम एंगल है बोलो। और यहीं पर कुछ बच्चे पूछते हैं, दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो गया, जैसे थ्योरम क्या कहता था, तीनों एंगल बराबर हो तब ट्राइंगल सिमिलर होगा। एक्चुअल रूल है कि तीन ट्राइंगल नहीं, दो ही अगर एंगल, अगर आप दो एंगल भी बराबर कर दें तो भी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा, तीन एंगल का जरूरत नहीं है। दो एंगल अगर बराबर है तो भी ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में तीन एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर आपको दो एंगल बराबर मालूम है और तीन एंगल का जोड़ 180 डिग्री है तो कंफर्म है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इस क्राइटेरिया को हम लोग एंगल एंगल कहते हैं, पूरा एंगल 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 भी लिखने का जरूरत नहीं है। तीन एंगल नहीं हो रहा है, अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल भी बराबर है, दो एंगल भी बराबर है, अरे दो एंगल भी बराबर है तभी भी दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। रीजन समझ में आया, फिर से बता देता हूं, एक ट्राइंगल में तीन एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, दो अलग अलग ट्राइंगल है, अगर उन दोनों ट्राइंगल का अगर आप दो एंगल भी बराबर कर रहे हैं तो तीसरा 180 से माइनस होके खुद ही बराबर हो जाएगा और एंगल 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 से ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। तो दो एंगल भी अगर बराबर मिल जाए तो भी ये जो ट्राइंगल है
वो सिमिलर ही होगा ट्राइंगल बीडीसी के, इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया कह लेंगे। अब हम लोग पढ़ चुके ट्राइंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो ए बी बाई बी डी बराबर बी सी बाई सी डी बराबर ए सी बाई बी सी, ऐसा लिख लेंगे। फिर इसमें हम लोग याद करेंगे कि क्योंकि स्क्वायर वगैरह लाना है तो जिस स्टेप में स्क्वायर आना हो, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, इसी को लेके तीसरे को अगर भूल भी जाते हैं तो चलेगा। लिखा तीनों जाता है, मतलब जब प्रैक्टिस का कमी हो, फिर जो स्क्वायर वाला आएगा उसको रखेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर था। सो दिस इज बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी में, ए बी सी में और ए डी बी में एक एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी सी और ए डी बी, और एंगल बी ए सी बोलू चाहे डी ए बी बोलू तो ये दोनों सेम एंगल है, डी ए सी भी यही वाला एंगल है, डी ए बी भी यही वाला एंगल है, ये कॉमन है। अभी बताएगा सर दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल भी बराबर कर लेते हो तो भी ये जो ट्राइंगल ए बी सी है बॉस ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के एंगल एंगल से। ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तीनों साइड बराबर, दिस इज ए बी बाई ए डी बी सी बाई बी डी ए सी बाई ए बी। अब क्या बताए, जहां पर स्क्वायर वाला आ रहा हो उसी को रखो, बाकी को लिखो फिर बाद में मिटा दो, मेरे को पता चल रहा है कि इसका काम नहीं पड़ेगा, यहीं से हमारा मल्टीप्लाई करने पर काम हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दिस विल बी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो दिस इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू ए डी, दिस इज ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ए सी कॉमन सी डी प्लस ए डी, और सी डी में ए डी को जोड़ने पर ए सी आ जाता है, सो दिस इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू ए सी, दिस इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरम्स इन मैथमेटिक्स दैट वी हैव बीन यूजिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स प्रूफिंग हैज बीन गिवन इन सिमिलर ट्राइंगल्स, वी हैव नॉट एज्यूम्ड इट ना। बहुत कम ही बच्चों ने सोचा होगा कि जिस थ्योरम का इस्तेमाल पाइथागोरस थ्योरम का छोटे क्लास से कर रहे हैं एलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हीरोन्स फॉर्मूला में, उसका प्रूफिंग ऐसे सिमिलर ट्राइंगल के सिमिलर के क्राइटेरिया से होगा, ये शायद इमेजिन नहीं किया होगा, बट ये बड़ा फेमस थ्योरम है मैथ्स का, पाइथागोरस थ्योरम, ये तो मतलब आना ही है एग्जामिनेशन में, इनरिस्पेक्टिव की है कि कोरोना था नहीं था, सिलेबस शॉर्ट हुआ नहीं हुआ, पाइथागोरस थ्योरम वाज ऑलमोस्ट सर्टेन टू कम इन ऑलमोस्ट ऑल योर एग्जामिनेशंस। नाउ थ्योरम नंबर 9 इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम नंबर 9 इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लंबा हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते थे बचपन में, ये कहता है कि अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर तरह का लग रहा है तो कन्फर्म है कि लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग डायग्राम से ही देख लेते हैं, उतना बड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है हमारे पास
एक जी ट्रायंगल है हमारे पास, गिवन से ही लिख लेंगे। ये कहता है जी एक ट्रायंगल है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इसमें बाय चांस अगर एसी का स्क्वायर, अगर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर आ रहा है, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो उस हाइपोटेनस का अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल बी, ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम में ये बी 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस के जो अपोजिट वाला एंगल है वो 90 डिग्री होगा। प्रूफ करने का कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्शन, और इसको बड़ा गजब सा कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करना है बड़ा ही अनूठे टाइप का, बड़ा ही शानदार कंस्ट्रक्शन है, बड़ा ही शानदार कंस्ट्रक्शन है। इसमें हम लोगों को बीसी के बराबर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है ईएफ, ये कर सकते हैं, बीसी के बराबर एक लाइन बना लिया ईएफ, फिर इस पे 90 डिग्री बनाना है, और कितना बड़ा 90 डिग्री बनाना है, एबी के बराबर इतना ही बड़ा एक 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री, और इसको ज्वाइन कर देना है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री। इतना चीज कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इतना चीज कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इतना चीज कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। गाना भी बज रहा है, गाना भी बज रहा है, इसलिए आप लोग डांस करते हुए क्वेश्चन बनाइए। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ ट्राइंगल BEF इन विच एंगल ई 90 डिग्री होना चाहिए, ये जो BE बनाए हो वो AB के बराबर कट होना चाहिए, और ये जो EF है बॉस वो BC के बराबर कट होना चाहिए। अब प्रूफ, तो इस ट्राइंगल में तो नहीं, बट ये जो तुमने बनाया है ये तो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल DEF उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो दिस इज DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस FE का स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब बट DE के बराबर तो AB बनाया है, FE के बराबर तो BC बनाया है कंस्ट्रक्शन से, therefore DF का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, DE के जगह पर AB का स्क्वायर, FE के जगह पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, बट क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये गिवन था। तो अब फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, अगर दोनों इक्वेशन को देखते हो, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखते हो तो इन दोनों इक्वेशन का RHS सेम है। अगर RHS सेम है तो LHS सेम होगा, LHS सेम होने के चक्कर में जो DF का स्क्वायर है वो AC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये DF जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, और एक बार DF AC के बराबर हुआ तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB बराबर DE, ये कंस्ट्रक्शन था। BC बराबर EF ये भी कंस्ट्रक्शन था, और AC बराबर DF ये हमने अभी प्रूव्ड अबव कर दिया। डंडा देखे भी पता चलता है, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, तीनों बराबर, देयरफॉर ये जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है DEF के SSS से, और ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो CPCP से, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर हो जाएगा, और एंगल E 90 डिग्री था, ये जो B है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, यही प्रूफ करना था। एंड दिस इज आवर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो 9 थ्योरम हो चुका है इस चैप्टर में,
9 थ्योरम्स डन एंड डस्टेड। कल 3 से 4 थ्योरम और करते हुए ऑफिशियली एनसीईआरटी लेवल पर अब केवल 1 थ्योरम बाकी है, बट तोड़ताड़ के 3 थ्योरम और करते हुए हम लोगों का सारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का झड़ी लगा देंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दोस्तों के साथ शेयर करो, और घर में जितना भी नंबर है भैया दीदी नाना नानी सबके नंबर से सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन बाकी नंबर पर ऑन नहीं भी करते हो तो चलेगा, अपने वाले पर ऑन करो, बट बाकी सब में ऑन करके रखो। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करवाओ बच्चों, तभी लाइव क्लास का सुविधा जो है वो मिल पाएगा सबको, मजा आएगा उसमें, लाइव क्लास में टेस्ट क्विज उसमें करने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, यहीं तक रहेगा आज का वीडियो, थैंक यू।